बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप दैट यू आर वेल। वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, आज अपनी टॉपिक की तरफ जाने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, तैयारियाँ हो रही हैं, एक एक्साइटमेंट का एलिमेंट है हर तरफ, एक वो जो है ना कि ओ रमज़ान आ रहा है, हमने ये करना है, रमज़ान आ रहा है, हमने वो करना है, हमने तैयारियां करनी है। लोगों ने अपने घर में, कुछ लोग होते हैं डेली अपने घर में लंगर का इत्माम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हॉस्पिटल्स और डिफरेंट जगहों पे इफ्तारियां सहरियां करवाते हैं, और ये सब बहुत ही अच्छे काम हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान का फ़ायदा उठाते हैं कि भाई लोगों ने चीज़ें तो ख़रीदनी ही हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम कीमतें भी बढ़ा दें और इतनी बढ़ा दें कि वो लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो जाए। हमने एक आपके लिए छोटी सी वीडियो तैयार की है जो ए प्लस और पब्लिक न्यूज़ की एक मेजर कैंपेन है जो शुरू की गई है उन दुकानदारों के लिए, उन लोगों के लिए जो चीज़ों की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि जो नॉर्मली लोग चीज़ें डे टू डे लाइफ में अफोर्ड करते हैं, जैसे रोटी, आटा, चीनी, फल, सब्ज़ी, वो चीज़ें भी ख़रीदनी मुश्किल हो जाती हैं, और दो वक्त की क्या, एक वक्त की रोटी भी इंसान नहीं अफोर्ड कर पाता। 100 रुपए की चीज़ 300 पे चली जाती है, 300 की चीज़ 1000 रुपए पे चली जाती है। पूरी दुनिया में जब आप देखते हैं के लोगों के मतलब त्यौहार आ रहे हैं, होली हो गई अक्रॉस द बॉर्डर, दिवाली हो गई, यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी में आपने देखा है कि क्रिसमस की बड़ा एहतमाम होता है, ईस्टर होता है, डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स और इवेंट्स होते हैं, लेकिन आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि उन ममालिक में कीमतें ज़्यादा कर दी गई हैं, बल्कि वहाँ पर कीमतें रिड्यूस कर दी जाती हैं, चीज़ें सेल पर आ जाती हैं, डिस्काउंट पर आ जाती हैं। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ए प्लस और पब्लिक न्यूज़ के साथ कि प्लीज़ हम जो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कीमतों को मुनासिब रखें, कीमतें उतनी ही रखें जितनी वो होती हैं या होनी चाहिए। आइए देखते हैं वो एक रिक्वेस्ट जो हमने तैयार की है। दुकानदार भाइयों, रमज़ानुल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं अल्लाह से करें, ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहां की अकलमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्प करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करे। बेशक तुम मेरे बंदों के लिए आसानियां पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूंगा। ये तो रब ताला का वादा है हमसे, तो शायद हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं, ना कि अपनी जेबों को कैसे भरें। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आपको पता है हर्बल वीक जारी है, एंड यू नो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर्बल एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। मेरी अपनी एक लाइन मैंने इसीलिए क्रिएट की नूर बाय जुगन की, कि मैं हर्बल एंड नेचुरल चीज़ें क्रिएट करूँ ताकि लोग जो हैं उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, और उसके साथ साथ एक मेजर जो एलिमेंट है कि केमिकल्स और ये जो चीज़ें हमारी स्किन को और हमारे बालों को डैमेज करती हैं, नो डाउट केमिकल चीज़ आप यूज़ करते हैं फ़ौरन आपको उसका एक रिज़ल्ट आता है, आप कहते हैं वाह जी वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब आप उसको यूज़ करना छोड़ते हैं या उसको लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे अरसे के लिए यूज़ करते हैं तो उसके बहुत से अजीबोगरीब साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और याद रखें, जो भी चीज़ आप अपनी स्किन पे या अपने बालों की जड़ों में लगाते हैं वो आपके जिस्म में अब्सॉर्ब होती है, यानी कि जितने केमिकल अपनी स्किन पे लगाएंगे वो सारे केमिकल आपके अंदर जाएंगे, स्किन के थ्रू आपके ऑर्गन्स यानी कि गुर्दों, फेफड़ों, दिल, उन सबको इफ़ेक्ट करेंगे। सो नेचुरल इज़ द वे टू गो। हम जब हर्बल की बात करते हैं तो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत से खूबसूरत रंगों से नवाजा है। अगर मैं अपने फेवरेट कलर्स की बात करूँ तो मुझे रेड बड़ा पसंद है, ऑरेंज बड़ा पसंद है, बट येलो
येलो एक ऐसा कलर है जिसके बारे में बात भी करते हैं तो एक सनशाइन की फीलिंग आती है, क्योंकि सनशाइन का कलर भी येलो ही होता है जब हम ड्राइंग करते हैं या कलरिंग करते हैं। एक मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे येलो के बारे में सोच के। तो हमने सोचा कि आज की हमारा जो हर्बल थीम है उसको हम येलो के ऊपर लेके जाएंगे। और आजकल येलो में कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं? देखिए, हम फल और सब्जियों की बात तो करते हैं व्यूअर्स, लेकिन जैसे कि खरबूजा है वो येलो है, हल्दी है वो येलो है, बट फूल भी ऐसी चीज़ हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। फूल और हर्ब्स वगैरह जो आप यूज़ कर सकते हैं हर्बल प्रोडक्ट्स में। और आप जानते हैं कि आजकल गेंदा बहुत ज़्यादा इन और अवेलेबल है, तो हम गेंदे के फूल से, जिसको मैरी गोल्ड भी आई थिंक हम कहते हैं, उससे आपको चीज़ें बनानी सिखाएंगे। हमें गाइड कौन करेगा? आइए मुलाकात करते हैं। टू माय राइट मेरे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर फैसल है। फैसल भाई आ ही जाए तो क्या ही बात होगी। फैसल भाई भी हमें गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी प्यारी सी नैयर आपा हमेशा किचन में जाके कोई ना कोई चीज़ पकाने के लिए खड़ी हो जाती है। आपा आ जाएं, आ जाएं, आज आप खुद एक मेरी गोल्ड लग रही हैं। मुझे पता था आप दोनों ने येलो पहनना है, मैंने जान के पर्पल पहन लिया कि मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। सो बात ये है कि आज हम येलो की बात करेंगे, द कलर ऑफ सनशाइन। अच्छा, येलो आपको कैसा लगता है? येलो बड़ा अपीलिंग और बहुत फ्रेश लगता है। हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है, मिलाद हो, ये हो गई, माइयों हो गया, मेहंदी हो गई, उनमें भी येलो कलर का बहुत इस्तेमाल। बेसिकली खुशी से हम येलो को कनेक्ट करते हैं, लेकिन हम फल सब्जियों जड़ी बूटियों और इन चीजों से क्या क्रिएट कर सकते हैं ये हम जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। क्योंकि डॉक्टर फैसल हमेशा एंड में हमें बताते हैं, मैंने कहा आज जरा एक गूगली फेंकते हैं और इनसे अभी बनवाते हैं हम। हाँ जी, और ये गूगली आपकी काम आ गई है, क्योंकि मैं काम शुरू किया ही था अभी। मैंने अभी आपने किया ही था ना? नहीं, अभी आप हमें बताएं कि ये क्या है। खरबूजे को मैश करना है। खरबूजे को मैश करना है और एक आपको सूदिंग जेल बताता हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं। इसमें जो उनसा सन एक्सपोजर है वो ज़रूरी है, जाहिर सी बात है बाहर तो जानी है। उसके बाद जो टैनिंग हो जाती है, हल्का फुल्का सनबर्न हो जाता है, उससे कैसे बचा जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, अपनी दो तीन चीज़ों को मिक्स करके। ठीक है, ठीक है। ये तो खरबूजा हो गया मैश। ये खरबूजे को हमने मैश कर लिया, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। अच्छा, खरबूजे की ना स्मेल बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। होती है बिल्कुल, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा। ओके, स्किन के लिए भी। जैसे अब ये छिलका हमारा बच गया, इसको आप सुखा के रख लीजिए और अपने जो उनसे आप सीज़न के बाद पैक्स बनाएं तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करें। आपकी स्किन के लिए बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है। ठीक है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी बिल्कुल, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे रोज़ पाउडर। रोज़ पाउडर, रोज़ पेटल्स का पाउडर। अच्छा, फूलों की पत्तियाँ, गुलाब की पत्तियों का। और साथ हम डालेंगे, आपा के पास पड़े हैं कैलेंडुला का या पॉट मैरीगोल्ड का, गेंदे का पाउडर, ठीक है, वो भी डाल देंगे। और ये थोड़ा सा एलोवेरा जेल। क्या डालना है इसके अंदर? आपा से लेके आऊं? आपा से लाना पड़ेगा। आपा थोड़ी सी पत्तियाँ गेंदे के फूल की। नहीं, मतलब आप खुद नहीं लेके आए गेंदे की फूल की पत्तियाँ, आपा से मंगवाई हैं आपने। कितनी बुरी बात है भाई। नहीं नहीं, क्या जरूरत है कैमरा घुमाने की, मैंने सिर्फ जाके इनके लिए इतना कहा। अच्छा, ये भी इसमें डाल दें? हाँ जी, ये भी इसमें डाल दें। पत्तियाँ सिर्फ? पत्तियाँ सिर्फ। अच्छा, ठीक है, इसको भी हम इसमें थोड़ा सा ऐसे करके रगड़ लेंगे तो ये अपना जूस छोड़ देगा। अब ये एक बेहतरीन सूदिंग पैक आपका बन जाता है। और जहाँ जहाँ पर भी आपको सनबर्न हुआ है या टैनिंग हो गई है तो वहाँ पे आप इसको लगा के 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। हाँ जी। उसके बाद चेहरा धो लें तो आपकी टैनिंग जो उनसे है वो 50% तो पहली दफ़ा में ही रिमूव हो जाएगी इंशाल्लाह। यस, आई एम वेरी अमेजिंग। तो ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है, जो बिला वजह ब्लीचेज और पता नहीं क्या क्या अपने ऊपर डाइज वगैरह लगाते हैं, अपनी स्किन को बर्बाद करते हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके थ्रू बेनिफिट्स है। और हल्दी तो वैसे ही बड़ा हीलिंग का काम करती है। ऐसे ही है। इसी तरह से एक गेंदा, जैसे बच्चों को कोई छोटा मोटा जख्म आ जाए, खवातीन किचन में खड़ी हैं और ये
कुछ काटते हुए हाथ कट जाए और गेंदे की पत्तियाँ आपके पास हों तो आप कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ गेंदे की पत्तियाँ लेके उसको हाथ में ऐसे मसल के और उस जख्म पे आप रख लें, इंस्टेंट आपका जो सा ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी स्मूथिंग जेल। अच्छा, होल मेलन जूस क्या है? होल मेलन जूस आपको ब्रेक के बाद बताता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास ब्लेंडर वगैरह आना है। अच्छा। उसके साथ अगर आप कहती हैं तो आपको एक बहुत अच्छा सा स्लिमिंग ड्रिंक बता दें। हाँ, स्लिमिंग ड्रिंक जरा बताएं, क्योंकि उसके बाद मैं नैयर आपा के पास डोलती डालती जाती हूँ और देखती हूँ, क्योंकि वो हमेशा तैयार होती हैं। वो हमेशा तैयार होती हैं, बिल्कुल वो एवर रेडी होती हैं। आप लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट, हमारे जो बॉयज हैं स्लोली काम करते हैं। हाँ जी, स्लिमिंग ड्रिंक। स्लिमिंग ड्रिंक और ये बहुत ही इफेक्टिव है, ये मैंने अपने यूट्यूब पे ही बताया था और लोगों का फीडबैक इसका बहुत अच्छा आया था, तो मैंने कहा कि आज फिर इस प्रोग्राम में भी हम बताते हैं। इसमें पांच चीज़ें हमने डालनी है। बेस हमने बनाना है हल्दी का, ठीक है, ठीक है। इसकी मेजरमेंट्स आपको बताता हूँ कि अगर 2 टेबल स्पून या 2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, ठीक है, ये फर्ज कीजिए हमने 2 टीस्पून हमने ले ली, ठीक है, हल्दी। इसमें हम उस साइड से खुल जाएगा। हाँ जी, इसमें कितना डालना है? ये हमने डालनी है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च, ठीक है। वाह, कोई बात नहीं, कम ज़्यादा हल्का फुल्का हो जाए। अच्छा, कोई बात। ये हमने डालनी है 1 चम्मच सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर, विच इज़ ड्राइड जिंजर ना? ड्राइड जिंजर जी, हाँ, ठीक है। ये आ गया 1 टीस्पून हमने डालना है जीरा। इक्वल है सारा? इक्वल, ठीक है। हल्दी सिर्फ ज्यादा मिकदार में? हल्दी जो उनसी है वो हमने हल्दी डबल है? हल्दी डबल है, बाकी सब चीजें जो उनसी हैं वो, ठीक है। और ये हमने ले ली दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, हमने तकरीबन इतना कि ये भी हमारी 1 टीस्पून के करीब हो जाए, ठीक है। इसको डाल के इन सब चीज़ों को, अगर हल्दी आपके पास साबित है तो भी ठीक है, इस तरह पाउडर है तो इन सब चीज़ों को पीस के आपने रख लेना है, ठीक है। इसका ग्राइंडर में इसको पीस के आप रख लें और सुबह निहार मुँह इसकी आधी चमची आपने नीम गर्म पानी के साथ लेनी है। अच्छा, सुबह निहार मुँह और लंच के 2 घंटे के बाद, ठीक है। 2 वीक्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका 2.5 से 3 kg वज़न कम हो जाएगा विदाउट एनी वीकनेस, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और ये ऐसी फॉर्मूलेशन है जो हर एक को सूट कर जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही, सो दैट्स ऑसम। चलिए, अब आपने हमें वो होल मेलन वाली कहानी बता दी, बाकी चीज़ें आपको बताते हैं इंशाल्लाह। जरा नैयर आपा, नैयर आपा क्या कर रही हैं आप? अजय माचिस दे दे। अच्छा, तो नैयर आपा, हाँ जी। अच्छा जुगन, हल्दी का जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग हर प्रोग्राम में तकरीबन जिक्र करते हैं, इसको किस तरह से जो है वो ड्राई करना है ये मोस्टली लोगों को नहीं पता। इसका जो तरीक़ाकार है, प्लीज़ माचिस दे, इसका ये तरीक़ाकार है कि इस तरह से ये देखें, जब हम मार्केट से लेके आते हैं तो ये इस तरह से इतनी गंदी होती है, मिट्टी में भरी हुई होती है, ठीक है। इसको जो है वो 2 से 4 घंटे के लिए आप पानी में भिगो दें ताकि इसकी जो मिट्टी है वो सारी सॉफ्ट हो जाए, और फिर अच्छी तरह तब तक इसको वॉश करें जब तक जो है वो पानी क्लियर ना हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर आपने जो है वो पानी रख देना है, पानी जो है वो खोलने लग जाए, पानी जब गर्म हो जाए तो उसके अंदर ये देखें हमने वॉश की है हल्दी, खोलते हुए पानी के अंदर आपने जो है हल्दी डालनी है, पकानी है। हाँ जी। अच्छा, ओके। और इसको फिर एक जोश देना है, ओके। उसके बाद फिर इसको निकाल के इसको कोई मलमल की चादर पे किसी छलनी में जो है वो आपने डाल देना है ताकि जो है वो सारा इसका जो पानी वगैरह है वो ड्राई हो जाए, और ये तकरीबन 2 महीने जुगन लेती है ड्राई होने में। अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने कोई तकरीबन 3 माह पहले जो है वो लेके आई थी, तो ये खुश्क हो चुकी हुई है, और ये वाली जो हल्दी है ये अभी तकरीबन मैं पिछले महीने लेके आई हूँ, तो ये अभी जो है वो ड्राई हो रही है, तो ये कम अज़ कम जुगन खुश्क होने में 2 से 3 महीने ले लेती है। उसके बाद जो है ये जाती है उसके ऊपर खुश्क होने पर, तो उसके बाद फिर ये पिसाई पे जाती है, और इसको जो पिसाई के लिए भी इसकी स्पेशल चक्कियाँ होती हैं, आम ग्राइंडर वगैरह में आप इसको नहीं पीस सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देखें हार्ड हो गई है, बिल्कुल भी नहीं ये टूटेगी, बिल्कुल पत्थर की तरह से हो जाती है। हाँ। तो इसको जो है वो स्पेशल, बहुत सख्त हो गई है, यू कांट ब्रेक इट। हाँ जी,
क्योंकि मोस्टली जो है वो ख्वातीन ले आती हैं, उन्हें फिर समझ नहीं लगती कि इसको जो है वो अब इसका क्या करें। तो इसलिए मुझे था कि ये जो है वो बहुत जरूरी है कि नहीं, आपने ये अच्छा किया क्योंकि आप देखिए ना, मैंने जैसे आपसे पहले भी बात कर रही थी, देखिए यू आर अ हर्बलिस्ट, यू आर अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, यू आर अ ब्यूटी एक्सपर्ट। हाँ जी, मैंने हमेशा आपसे इंस्पिरेशन भी ली है, बल्कि मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि आपको, डॉक्टर फैसल को, मासूमा को, आप सबको देख के ही मुझे मतलब अपने प्रोडक्ट्स की तरफ भी मैं गई, क्योंकि आपने बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया जी कि ये प्रोसीजर और ये तरीका होता है चीज़ें करने का। हाँ जी। अब देखिए हल्दी की बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, जो फ्रेश हल्दी होती है उसका जायका आप एक चुटकी यूज़ करेंगे आपको वो जायका मिलेगा जो आप बाजार से खरीदी हुई हल्दी का एक टेबल स्पून डालेंगे, टीस्पून डालेंगे जी, ना वो क्वालिटी होती है ना वो कलर होता है, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। जस्ट लाइक एक फॉर्मेलिटी है कि हमने हल्दी हंडिया में डाली है, तो आप देखें ये घर की जो है वो खुश्क हुई हुई हल्दी, इसका आप कलर देखें और इसकी खुशबू आप देखें, बिल्कुल टोटली जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे आप ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो आपसे ही हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कि और हमने क्या क्या बनाना है, तब तक हमने अपने चूल्हे ऑन कर दिए हीट करने के लिए, तो वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी नैयर आपा, आप बताइए। हाँ जी, मजीद। हाँ, और हम क्या बना रहे हैं? हाँ जी, ये देखे पानी खोल रहा है, इसके अंदर हल्दी डाल देंगे, ठीक है, और एक जोश आने पे इसको जो है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट आपने इसी तरह से नहीं सुखाना, एक जोश देने के बाद जो है इसकी जो बेनिफिट्स, इसकी क्वालिटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं, और खुश्क जो है ये बहुत अच्छे तरीके से होता है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है इससे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगी, जिस तरह गर्मियों के अंदर जो है वो टैनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसे बच्चियाँ फ्रैकल्स या छाइयाँ समझना शुरू हो जाती हैं, और फिर उसके लिए जो है वो ट्रीटमेंट्स और क्रीमें लगाना शुरू कर देती हैं। उसके लिए जुगन हम लेंगे थोड़ी सी जो है वो लेमन ग्रास। कितनी आप? तकरीबन इसके 4-5 आप टुकड़े ले लें, क्योंकि एक कप के लिए जो है वो हम बना रहे हैं। एक कप के? ये हाँ, एक कप का हिसाब है। हाँ जी। हाँ। अगर आपके पास जो है वो फ्रेश मैरीगोल्ड के फ्लावर हैं तो फ्रेश डाल लें, नहीं तो इसको नहीं, इसकी पंखड़ियाँ डालेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें मैंने ड्राई करके रखे हुए हैं, तो आप जब सीजन हो तो इसको जो है वो खुश करके रख लें, क्योंकि ये उपटन में जो है वो बहुत जबरदस्त इसका जो है वो रिजल्ट आता है। एक दफा कि ये इसका तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। इसकी जो मैरीगोल्ड की जुगन जो क्वालिटीज हैं वो ये क्वालिटीज हैं कि जिनके बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बन रहे होते हैं और उनका मुंह नहीं बनता, वो फेशियल भी करवा लें, पिन भी यूज कर लें, तो वो प्लक नहीं हो रहे होते, तो इसकी ये क्वालिटी है कि उनको पॉप अप कर देता है, उनको जो है वो उठा के बाहर ले आता है। तो इसको किस तरह से इसकी जेल बनानी, किस तरह से इसको प्रिजर्व करके रखना है, तो वो मैं बाद में बताती हूँ। इसके अंदर जो है वो बिल्कुल एक चुटकी के बराबर जो है वो जुगन हल्दी का डाल दें, बिल्कुल एक पिंच, ज़्यादा नहीं। हाँ जी, बस yes? इसको सिर्फ एक जोश देंगे, दम में इसको बनाएंगे जिस तरह से बनाते होते हैं, एक जोश देंगे और इसको जो है वो आप इसके अंदर हनी डाल लें थोड़ी सी, कप के अंदर डाल लें हनी। हाँ, आपने एक बार मुझे बताया था कि हनी को पकाया ना जाए तो बेहतर होता। हाँ जी, डायरेक्ट इसको कप में डालें, और ये वाला कहवा अगर आप निहारमू लेते हैं बहुत ज़बरदस्त है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी एक्नी को नहीं आने देगा, आपकी जो पिगमेंटेशन वगैरह है, फ्रैकल्स अगर आ चुकी हुई हैं तो ये उन फ्रैकल्स को भी जो है वो जुगन ठीक करेगा, बिकॉज के ये एंटीऑक्सीडेंट है। आप देखिए इसका कलर। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर, और जो येलो पिगमेंट है जुगन, ये आपके जो बहुत ज़्यादा जिन लोगों के जो है वो ब्राउन मेलानिन सेल्स होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, तो ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। आप देखें जब हम मेकअप के अंदर जो है वो कोई ज़रा टैनिंग वाली हमारे सामने ब्राइड या क्लाइंट आ जाता है तो हम पहले येलो बेस लगाते हैं, येलो बेस जो है वो स्किन को न्यूट्रलाइज कर देती है। ये देखें इस तरह से ये वाला कहवा, तो ये अगर आप अगर अपना कलर फेयर करना चाह रहे हैं साफ, तो क्रीमों को छोड़ के आप ये कहवा शुरू कर दें, हेल्थ बेनिफिट भी हैं, लिवर डिटॉक्स भी है, और आपकी जो है वो पिगमेंटेशन को भी ख़त्म करेगा और आपका कलर भी फेयर करेगा। इसके बाद जो है वो जुगन एक फेस पैक जो है वो मैं बताऊंगी, फेस मास्क बताऊंगी। इस तरह से ये देखें टैबलेट्स जो है ये मार्केट में अवेलेबल हैं। ये किस चीज़ की टैबलेट है? ये मास्क, ठीक है, ये देखें ये शीट मास्क, इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने डाला है ऑरेंज का जूस। हाँ जी,
और 1 टेबलस्पून के करीब ही ये मैंने खरबूजे को जो है ये मैश कर लिया है, तो उसका भी हम हाँ जी तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल लें, 2 टेबलस्पून डाल लें, क्योंकि इसको वाइटमिन शीट मास्क को कहते हैं ना कि इसको पानी में सोख करें। हाँ जी, तो आप इसको इसमें सोख कर रही हैं। हाँ जी, इसके अंदर आप हाँ जी ओके खरबूजा और इसका, और ये मैं इसके अंदर साथ डाल रही हूँ मैरीगोल्ड के फूल जो है इनको ड्राई करके इनका मैंने ये पाउडर बनाया हुआ है, साथ ही मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी क्योंकि हमें ये जूस फॉर्म में चाहिए, हमें ये वाला जो पैक है सॉरी हाँ जी हाँ। ये हमें पैक जो है ये लिक्विड फॉर्म में चाहिए, जितना गीला होगा चेहरे के ऊपर जितनी देर जो है ये स्टे करेगा जुगन उतना ज़्यादा जो है ये स्किन के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करेगा। तो ये करने के बाद इसको सोक हाँ कितनी देर करना? इसको जो है ये अभी सारा इसको सोक कर लेगा सारे जूस को ये वाली शीट, इसको आप जो है वो फेस को वॉश करके पूरे फेस के ऊपर आप इसको लगाएं आधे घंटे तक, घंटे तक जब तक ये गीला है तब तक ये अपना जो है वो काम करता रहेगा। तो अगर आपके पास टाइम है, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, गाने वगैरह सुन रहे हैं, रिलैक्स होना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें कि एक शावर बोतल में जो यही वाला जूस जो है ये आप डाल लें जब ये फील हो। हाँ जी, ये आपका शीट मास्क रेडी हो गया। आप ये आईज़ का, नोज़ का और माउथ के ऊपर आप इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं, राइट? ये ड्राई हो जाए इसके ऊपर आप दोबारा से इसी का ये वाला जो वाटर है इसको स्प्रे करें, क्योंकि आपका वो तो देखे ना उसके अंदर काफी जूस उसका रह गया था। अब एक दफा आपने उसको ऐसे फिर से कर लिया और फिर एक दफा आपने चेहरे के ऊपर लगा दिया, आपके शीट मास्क जो है वो हाँ जी ये इसको भी बंद कर दे, एक जोश आ गया हल्दी को तो बस इसको स्टेन करके तो इसको जो है वो ड्राई करने के लिए रख देंगे। ठीक है। अच्छा जुगन, मैं जेल बताऊंगी, वो जेल जो आपके ब्लैक हेड्स वगैरह को जिस तरह से मैं बता रही थी ब्लैक हेड्स को ख़त्म करेगी, और आपके ये देखिए ये एलोवेरा जेल के अंदर जो है मैंने ये वाली हाँ जी हल्दी, और मैंने इसी के मैरी गोल्ड के जो फूल हैं ये डाल दें जुगन इसके अंदर, मैंने हल्दी और एलोवेरा जेल को जो है वो जस्ट लाइक 1/4 टीस्पून ठीक है हाँ जी इसको डाल के इसको अच्छे इसी के अंदर जुगन थोड़ी सी जो है जो कचरी पाउडर होता है पपाया का जो पाउडर होता है अब वो भी अगर आप 1/4 टीस्पून डाल देंगे, ये वाली जेल आप बना के रख लें, एलोवेरा जेल, हल्दी, मैरीगोल्ड के खुश्क फूलों का जो है वो पाउडर, ये आप बना के ये 15-20 दिन महीने के लिए भी आप फ्रिज में रख देंगे, ये ख़त्म नहीं होगी। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बन रहे होते हैं और उनके मुँह नहीं बन रहे होते, ये वाली जेल जो है वो आप फेस को वॉश करके नाइट में आप इजी हैं पूरे फेस के ऊपर एक पतली सी इसकी जो है वो आप लेयर दे दें, आधे घंटे के लिए लगी रहे, आधे घंटे के बाद जुगन इस जेल को आपने, क्योंकि ये खुश्क नहीं होगी ये फेस के ऊपर लगी रहेगी, आपने क्या करना है कि आपने जो है वो किसी स्पैचुला के साथ या पोलका स्टिक के साथ या किसी स्पून के साथ आपने इस जेल को जो है वो रिमूव करना है, जैसे उस तरह के तो साथ उसके साथ वो फिर इम्प्योरिटीज भी निकल जाएंगी, ब्लैक हेड्स भी निकल जाएंगे, सारी डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी। अगर नोज में जिन लोगों के ब्लैक हेड्स वगैरह बहुत ज्यादा बनते हैं, पॉलर नहीं जा सकते, तो ये वाली जेल जो है वो जुगन इतने ज़बरदस्त इसके बेनिफिट्स हैं कि ये आपकी स्किन को बगैर स्क्रब किए, बगैर मांजे कूचे आपकी स्किन को नेचुरली जो है वो एक्सफोलिएट करेगी। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा रब करते हैं ना व्यूवर्स अपनी स्किन को तो स्किन डैमेज हो जाती है। मैं भी जब अपने स्क्रब्स के नूर के जो स्क्रब मैंने क्रिएट किए उन पर बात करती हूँ तो हमेशा कहती हूँ कि ऐसे हवा में जिस तरह हाथ हाँ जी बिल्कुल रगड़ना नहीं है, ये जो रगड़ने वाली आदत है ना जड़ों को भी बालों के और फेस को भी ये बहुत डैमेज करता है। चूंकि ये पोर्स को इनलार्ज कर, ये बच्चियां नहीं समझती इस चीज को, वो मांझती हैं, उन्हें लगता है कि इससे हाँ, लेकिन पहले 4-5 साल तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल जब 30-25-30 साल की हो जाती है हाँ तो बर्बाद हो चुकी बिल्कुल पोर्स उनके जो है वो खुलना शुरू हो जाते हैं, मुसाम खुल जाते हैं, ऑयली स्किन हो जाती है और इस तरह के इश्यूज जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जुगन, इसके बाद जो है वो एक उपटन बनाना बताऊंगी, वो बच्चियाँ जो कि अपकमिंग ब्राइड्स हैं, जो अपकमिंग ब्राइड्स हैं, चलें इसके साथ डाल लें, मैं वही कह रही हूं हाँ जी हमारे पास हाँ जी अच्छा इसके लिए जो है वो उपटन के लिए जुगन गुलरुख लाल गुलाब की पत्तियों का जो है ये पाउडर है, बहुत इसके बेनिफिट्स हैं, हर तरह का जो कोई भी स्किन का इशू है हर हाँ जी 1 टीस्पून डाल लें। खाना बनाए ना तो आपको हिसाब पता चल जाता है और ये कितना डलेगा, ये भी 1 टीस्पून, गेंदे के जो फूल है उसका जो पाउडर है 1 टीस्पून ठीक है, 1/4 टीस्पून इसके अंदर जुगन हम हल्दी का डालेंगे ठीक है जी, बिल्कुल एक पिंच डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ये इचिंग करना जो है वो शुरू कर देता है। अच्छा उसके बाद जुगन चारकोल पाउडर, चारकोल पाउडर इतना का ज़बरदस्त है ना, हाँ जी डाल लें 1/2 टीस्पून हाँ जी हाँ जी चल
अब इसको जो है चाहे इसके इसको पानी के अंदर पेस्ट बना लें इसकी, चाहे इसको जो है वो आप एलोवेरा जेल के अंदर, चाहे आप दही के अंदर, किसी भी चीज़ में जो है वो आप इसकी जो है ये पेस्ट बना सकते हैं। और ये आप डेली बेसिस पे जुगन इसको यूज कर सकते हैं। ये पूरी बॉडी पे या सिर्फ फेस एंड नेक? फुल बॉडी पे आप इसको करें। आपको पता है कि बिल्कुल भी नेक वगैरह जो है वो इन चीज़ों को आप निगलेक्ट नहीं करें, तो इसको जो है जो अपकमिंग ब्राइड्स हैं वो जो है वो इसको महीना डेढ़ दो महीना बाजार के उपटन को थोड़ा सा जो है मैं समझती हूँ कि अवॉइड करें जो चीज़ें आप खुद से जो है वो बना। इसके अंदर बेसन अगर आपको सूट करता है तो आप डाल लें, क्योंकि मोस्टली लोगों को जो है वो बेसन सूट नहीं करता। थैंक यू सो मच आपा। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ना जाने डॉक्टर फैसल हमें खरबूजे का जूस बनाना सिखाएंगे कि नहीं, ये एक मिस्ट्री है। ब्रेक के बाद पता चलेगी। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब मैं आपको बताऊंगी बहुत सी हम एज़ यू नो नूर बाय जुगन काज़ा मेरा एक ब्रांड है, इसके बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिनको आप परचेज़ कर सकते हैं रेडी टू यूज़। बट ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि होममेड रेमेडीज़ ट्राई करें, तो होममेड रेमेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको गाइड करना चाहूँगी। मतलब स्क्रब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन अब जैसे कि गर्मियाँ हैं, आपको टोनर बनाना है घर पे और आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। आपने ये टोनर की बॉटल ली, ये एक एम्प्टी बॉटल ली, ठीक है। इसके अंदर आपने डालना है रोज़ वाटर, ठीक है। आपने इसके अंदर रोज़ वाटर डाला। अब ये वो वाला टोनर मैं आपको बता रही हूँ जो इसमें आपने हाफ बॉटल को टोनर से फिल किया, मतलब बेसिकली रोज़ वाटर से फिल किया। रोज़ वाटर बाय द वे एक नेचुरल टोनर है। देन आपने उसके अंदर प्योर एलोवेरा जेल डाली, ठीक है। आपने प्योर एलोवेरा जेल इसके अंदर डाली। देन आपने इसके अंदर एक टीस्पून लेमन जूस का डालना है, लेकिन अगर आपको लेमन जूस सूट करे तो, अगर आपको लेमन जूस नहीं सूट करता तो फिर आपने इसको नहीं डालना, राइट। अब आपने एलोवेरा जेल डाल ली, आपने इसके अंदर रोज़ वाटर डाल लिया, आपने लेवेंडर ऑयल, ये मेरे अवेलेबल है, इसके 3 ड्रॉप्स आपने डालने हैं ताकि इसकी खुशबू जो है वो 1, 2 और 3 हो गए इसके अंदर, ताकि इसकी एक अच्छी सी रिफ्रेशिंग स्मेल भी आ जाए। और लैवेंडर नेचुरली बहुत ही एक रिलैक्सिंग जो है एसेंशियल ऑयल है, और ये मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून लेमन जूस का डाल दिया। ये आपने स्प्रे बॉटल में इसको डाल के अच्छे तरीके से शेक करके, और इसको आपने फ्रिज में रखना है। अब होता ही है कि जब आप नेचुरल चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल कॉम्पाउंड्स ऐसा सच नहीं होते, इस किस्म की जो चीज़ होती है टोनर, इसको अगर आप फ्रिज में रखें तो बेहतर होता है। एंड देन आपने इसको अब ये देखें ना, इसको ऐसे करके आप अपने फेस एंड नेक के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, राइट। देयर यू गो। सो ये आपने बना लिया और ये आपने फ्रिज में रख लिया, एंड यू कैन ईजिली यूज़ इट। मैं तो दिन में 2-3 दफ़ा मुँह के ऊपर नेचुरली पानी के छट्टे फेंकने के डालती हूँ, लेकिन अगर नहीं मौका मिलता तो आई टेक माई टोनर एंड आई स्प्रे इट ऑन माई फेस एंड नेक। बहुत ही इसके अच्छा रिजल्ट होता है। अच्छा, मैं अब आपको एक फेस एक्सफोलिएटर टाइप स्क्रब बताना चाहूँगी, जिसमें ऑब्वियसली आपा ने जो मुझे अपने घर से फ्रेश हल्दी दी है उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, हर चीज़ के ना आपको इस तरह के बॉक्सेस बड़े ईजिली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जिनको आप परचेस कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, जिसके अंदर फिर आप अपनी जो हर्बल और नेचुरल चीज़ें बनाते हैं उसको यूज़ करें। ये जो स्क्रब है ये ड्राई सेल्स, डेड सेल्स को रिमूव करेगा, ऑयलीनेस को थोड़ा रिड्यूस करेगा आपकी स्किन में, और काफ़ी अच्छी इसका रिज़ल्ट होता है। अच्छा, इसमें भी जैसे कि आप जानते हैं मैं आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ रोज़ वाटर, तो इसमें भी रोज़ वाटर जाएगा, ठीक है। आपने रोज़ वाटर डाला, आपने इसके अंदर बेसन डालना है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू पुट बेसन इन देयर। अच्छा, बेसन के साथ हमने डालना है हल्दी का पाउडर एज आई प्रोमिस्ड।
सो ये हमने हल्दी डाल दी, 1/4 टीस्पून इज़ मोर देन इनफ। एंड देन आपने एलोवेरा जेल, जिसकी मैं शदीद बड़ी फ़ैन हूँ, हमने इसके अंदर वो भी डालना है। आपको एक स्मूथ सी पेस्ट मिल जाएगी। एक्चुअली मोर देन एक्सफोलिएटर एंड स्क्रब, ये एक फेस पैक की तरह की चीज़ है। सो आपने ये अपना इसमें एलोवेरा, सो बेसन और रोज़ वाटर और टर्मेरिक पाउडर और उसके साथ एलोवेरा जेल, ये आपने मिक्स करना है, ठीक है। और ये आपने अपने फेस एंड नेक पे लगाना है। और इसको आपने, ये बाय द वे आप अपने हाथों पे और पैरों पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक स्मूथ सी आपने पेस्ट बनानी है। अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि वाटरी हो रहा है तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा बेसन और डाल दिया। और फिर जिस तरह नैयर आपा हमेशा कहती हैं, 15-20 मिनट के बाद जब वो ड्राई हो जाएगा तो बटियां बना के आपने उसको रिमूव करना है। मैं बड़ी जगह जब बाय द वे जब अदरवाइज भी लेक्चर्स देती हूँ नूर के प्रोडक्ट्स के, तो मैं अक्सर नैयर आपा को ही कोट करती हूँ, आपा ने ये कहा और फिर आपा ने वो कहा। तो ये हमारी एक स्मूथ सी पेस्ट तैयार हो गई। इसको आपने अपने पास, आई मीन 2-3 दिन ये फ्रिज में रह सकती है, बट मैं यही कहूँगी कि उसी वक्त बना लें। इसमें कौन सी ऐसी कोई औखी चीज़ है जो आप नहीं यूटिलाइज़ कर सकते। तो ये तो हमारे दो हो गए फेस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग सी चीज़ें। अच्छा, अब हेयर टॉनिक या हेयर स्प्रे, ये जो है ये परफेक्ट है उन लोगों के लिए जिनके बाल गिर रहे हैं, जिनकी थिनिंग हेयर है और कोई अपने बालों को स्ट्रेंथन करना चाह रहा है, तो ये आपने अपने बालों में स्प्रे करना है। और बाय द वे इससे शाइन भी बड़ी अच्छी आ जाती है। इसके लिए भी आपने इस तरह करके एक एम्प्टी बॉटल ले ली, ठीक है। अब उस एम्प्टी बॉटल के अंदर आपने बहुत ही कुछ बेसिक चीज़ें डालनी हैं। एक तो आपने चावलों का पानी डालना है, जिसको हम राइस वाटर नहीं कहते, चावलों का आपने इस तरह करके पानी इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। उस पानी के अंदर फिर आपने ऐड करना है एप्पल साइडर विनेगर। अच्छा, इसके अंदर राइस का वाटर जो है आपने फिल कर दिया, उसके बाद आपने इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर डालना है। आप अप टू 1 टेबलस्पून इसमें डाल सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर का, अगर आप पूरी बॉटल बना रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर आपने 3 ड्रॉप्स डालने हैं टी ट्री ऑयल के, ठीक है। ये बहुत ही हीलिंग और सूदिंग होता है। आपने ये डाला, और अगर किसी के बाल गिर रहे हैं, उनके रूट्स डेड हुए हैं या व्हाटएवर, पर्सनली भी मैंने ये बड़ी दफ़ा यूज़ किया है, ये भी एक बड़ी अच्छी अमेजिंग सी चीज़ है। ये आपने अपनी रूट्स में भी स्प्रे करना है और लेंथ एंड एंड्स पे भी, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर जो है, सेब का जो सिरका है, वो भी बहुत अच्छा है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी। और उसके अलावा हालांकि मेरी बोतल को अब मुँह पर स्प्रे कर दिया, ये देखें, राइट, अनदर स्प्रे बॉटल रेडी। अब ये आपकी बाल का प्रोडक्ट हो गया। और जल्दी से एक हेयर मास्क, एक सेकंड में मैं बता दूं प्लीज़, एक हेयर, हाँ, आपने होममेड हेयर मास्क है। अच्छा, ये आपने करना है कि मैं इसमें बना के उसमें फिर डाल दूँगी। हाँ, हमने एग एक लिया, ठीक है, एक अंडा लिया आपने, आपने उसके अंदर 2 टीस्पून ऑफ लेमन जूस डाल दिया, ये हमने लेमन जूस इसमें डाल दिया। इसके अंदर आपने 1.5 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल डालना है, जैतून के तेल का, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल देंगे, और उसके अंदर आपने फिर 1 टेबलस्पून हनी का डालना है। ये एक बहुत ही अमेजिंग सा पेस्ट बन जाता है। इसको आपने अच्छे तरीके से, एक तरह से जिस तरह फेंटते नहीं और ब्लेंड करते हैं, उस तरह से करना है। अच्छा जी, हनी आपने इसमें डाल दिया। आप देखिए, सारी चीज़ें आपके लिए मैं ऑन द स्पॉट खोल रही हूँ, ताकि आपको पता हो कि हर चीज़ हम फ्रेश ही यूज़ करते हैं। ये आपने हनी डाल दिया। अच्छा, ये एक अमेजिंग हेयर मास्क है, इट इज़ एब्सोल्युटली फैबुलस। ये आपने अपने बालों में, अपनी टिप्स पे और अपने लेंथ एंड एंड पे लगाना है, और फिर 10 या 15 मिनट के बाद आपने इसको रिंस ऑफ कर लेना है, और आपका ये एक अमेजिंग सा जो है हेयर मास्क तैयार हो जाएगा। सो ये थी मेरी आज की टिप्स नूर बाय जुगन काजिम की। ये लीजिए, इनको ट्राई कीजिए। ओह, ये हमारा हेयर का आ गया। एंड डेफिनेटली लेट मी नो व्हाट यू थिंक। अगर आपने नूर के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं तो www.noorbyjugan.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फैसल भाई ने अभी भी हमें जूस बताना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। फाइनल टिप ऑफ, डर गए ना। मेरी एक हैबिट है, खवातीन यूजुअली ना लड़कियों के साथ जरा डैडी होती है, मैं जरा लड़कों को टफ टाइम देती हूँ। मैंने कहा कोई मुझे टफ टाइम दे, मैं पहले टफ टाइम दे दूंगी। लेकिन खैर, आ जाते हैं उस जूस की तरफ जिसका आपने वादा किया था, पहले ब्रेक से चल रही है। पहली ब्रेक से चल रही है। अच्छा, इसमें जो ना, इसको होल मेलन जूस कहते हैं,
इसमें हम छिलका भी इस्तेमाल करेंगे, बीज भी इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम इसका जूस बनाएंगे। नहीं, हमने पूरे प्रोग्राम इसका इंतजार किया कि आप छिलके समेत हाँ, हमें मिलाएंगे। उसके बाद इसको छानेंगे भी ना, इसको स्ट्रेन करेंगे। अच्छा, ये पहले से मैंने थोड़ा सा खरबूजा काट के उसका जूस बना रही था, क्योंकि फिर यहाँ पे वो ब्लेंड नहीं होता, ब्लेंड ना होता। ठीक है, अब ये इसमें हम डाल देते हैं छिलका समेत, बीज समेत, पता नहीं क्या हमारे साथ करने जा रहे हैं आप। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स अगर आप सुन लेंगे तो फिर आप जो है ना इसको सारा दिन पूरे खरबूजे का जूस पिएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। आज हमारे ब्लेंडर का भी मूड अच्छा है व्यूअर्स। अगर मेरा मूड इतना बुरा है तो ब्लेंडर का मूड तो बहुत ही अच्छा है आज। नहीं, चल पड़ा और अच्छा चल पड़ा। नहीं, वैसे मैं एक बात बताऊं, गैजेट्स भी ना अजीब ही कोई मसला है हमारी दुनिया में। अच्छा, ये अच्छा, हमने छान दिया, अब इसको हम छान देंगे और जो इसका पल्प है वो आप इसको स्क्रब के तौर पे यूज कर लें, बॉडी स्क्रब बना लें, फेस पैक बना लें, कुछ भी बना लें। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी लो होता है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है वो यूज कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट जरा एहतियात कर लें, ठीक है, वो ना पिए तो बेहतर है। लेकिन ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स पी सकते हैं, जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है वो पी सकते हैं, क्योंकि ठंडक भी पहुंचाता है। जो डिहाइड्रेटेड हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। प्लस ये कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, मेलन उनके लिए एक आइडियल। और ये देखें, ये एक नेचुरल सा स्क्रब भी तैयार हो गया है, पूरा का पूरा। बिल्कुल, इसके अंदर बेसिक मैरीगोल्ड थोड़ा सा और हल्दी डाल दें। हल्दी डाल दें, आपका पूरा एक कंप्लीट पैक तैयार। आपा को देख देख के ना मैं भी सीख गई हूँ कि ये चीजें हो सकती हैं। नहीं, आपके माशाल्लाह अपनी रेंज है तो ऑब्वियसली आप सब कुछ समझ। नहीं, देखिए, जिससे आप इनिशियली सीखते हैं ना, एक तो जोया खाला हुआ करती थी, आपको याद होगा जोया, वो बहुत अच्छे बनाया करती थी हर्बल प्रोडक्ट्स, और उनके मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी। उसके बाद जब आपा से मेरी मुलाकात हुई तो, और क्योंकि उनका पता नहीं कहाँ प्रोडक्ट रेट वो अभी भी आती है नहीं आती, पता नहीं क्या हुआ उनकी कंपनी का, लेकिन जो नैयर आपा हैं उनकी, क्योंकि सीनियर भी हैं हमारी और उन्होंने हमें गाइड भी किया है, और बल्कि बड़े कम सीनियर होते हैं जो इनक्रेज करते हैं कि इस तरफ आ जाओ, वरना लोग कहते रहने दो, बड़ा मुश्किल काम है, क्या करोगे करके। वो जो होता है ना, जो सिक्योर लोग होते हैं वही कहते हैं। अब ये देखे ना, ये आपका एक ये आ गया। अब इसके अंदर हमने अगर हल्दी डाल देते हैं और ये जो क्रश मेरी गोल्ड है इसको भी डाल देते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, और ये आपने स्क्रब के तौर पे यूज कर लिया तो आपका जाया नहीं हुआ। कुछ भी जाया नहीं हुआ। टाइम है मेरे पास, ये बस बात है ना। अब आपको जरा क्रिकेट की दुनिया के बारे में कुछ बताते हैं। नैयर आपा तो खैर बहुत बड़ी फैन है क्रिकेट की, और उससे बड़े फैन नईमुल हसन है, तो वो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं। तो क्रिकेट की जब भी बात आती है तो नईम साहब का नाम टॉप पे आता है, और सेकंड जो नाम आता है वो है चौधरी इरफान जहीर का। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम जी। वैसे आपको जरूरत नहीं है कि आपका इंट्रोडक्शन दिया जाए, लेकिन स्पोर्ट्स एंकर एंड एनालिस्ट, ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। देखिए, आपने मुझे काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि जुगन दुआ करो कि ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने 24 साल के बाद आना है वो आ जाए, कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो आ भी गए, और अब स्टेटस क्या है? पहला टेस्ट मैच, जिस तरह विकेट से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो विकेट्स का स्टैंडर्ड था वो काफ़ी बुरा कंसिडर किया गया, क्योंकि रेटर जो हमारे हैं उस पर काफ़ी क्वेश्चन आए कि आपको, देखें टेस्ट क्रिकेट की असल ब्यूटी यही है कि उसका भी रिजल्ट आना चाहिए। उसका इंटरेस्ट लोग क्यों लैक कर गए हैं कि उसके अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें नहीं होती, मैच ड्रॉ होता है, लोग अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। अगर हम पिंडी वाले टेस्ट मैच की पहले थोड़ी सी बात करें तो हमने देखा कि अब दोनों टीम के हमारे आलमोसात आउट हुए, उनके भी सारी टीम आउट हुई, बट 500 से प्लस रन स्कोर किए। इसी तरह सेकंड इनिंग्स में हमारा कोई भी आउट नहीं हुआ, तो स्पेक्टेटर्स का जो इंटरेस्ट था वो बिल्कुल लूज कर गए। इसी तरह आपकी 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, इतनी बड़ी सीरीज़ है, उस टाइम माना जा रहा है इस साल की सबसे बड़ी सीरीज़ कंसिडर किया जा रहा है, तो आपको पिचेस ऐसी प्रिपेयर करनी थी जिसमें रिजल्ट मिलता। अब उसमें टेक्निकल थोड़ी सी चीज़, टेक्निकल ये है कि या आपके बाउंसी ट्रैक होते हैं जिसमें बॉल स्विंग स्विंग करती है, या स्पिनिंग ट्रैक होता है। मेरी ज़बान में भी समझा देना, आसान में कोशिश कर रहा हूँ, मुश्किल सी बातें कर रहे हैं। दूसरा होता है कि जिसपे बॉल ज्यादा स्पिन करती है, अनफॉर्चुनेटली दोनों नहीं प्रिपेयर की गई और बिल्कुल बॉल सीधा रहता था और वो इजीली खेलते थे। सेकेंड टेस्ट मैच के अंदर भी पहले दो दिन बड़ी बैटिंग ट्रैक रही हमारी, बैटिंग पहली इनिंग्स बहुत बुरी खेली पाकिस्तान ने,
मोस्टली प्लेयर अपनी मिस्टेक की वजह से आउट हुए। नहीं बट एक बात बताओ, अपने होम ग्राउंड पे तो हमेशा टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। बड़ा बड़ा वैलिड बात है, होता ही ऐसे है कि हर कंट्री हर कंट्री हमेशा करती क्या है कि अपनी जब उसकी होम सीरीज होती है तो अपने वो जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसके ऊपर खेलते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, जैसे हमारा स्ट्रेंथ ये है कि हम स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं, बांग्लादेश स्पिनिंग ट्रैक बनाता है, इंडिया स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं, एशियन की आप कह लें सब कॉन्टिनेंट की बात ही यही होती है कि वो स्पिनिंग ट्रैक बना के दूसरी जो ओपोनेंट है उसको ट्रैप करते हैं। हमने क्या किया, स्पिनिंग ट्रैक भी नहीं बनाया। देखिए हम सिंसियर लोग हैं, हाँ हम दूसरों का ख्याल करते हैं, हम दूसरों का ख्याल करते हैं, हमने दूसरी टीम का ख्याल करते हुए बॉदर ही नहीं किया। हाँ और थोड़ा सा उन्होंने भी हमारा ख्याल किया कि उन्होंने भी थोड़ा बुरा खेल लिया। हम नहीं, उन्होंने बुरा इस तरह खेला कि उन्होंने फॉलो ऑन पाकिस्तान, उन्होंने 557 बनाए, हमने उसके बाद 148 रन स्कोर किए। वो हमें फॉलो ऑन अगर करवाते तो शायद अभी तक वो मैच जीत चुके होते। आप दोनों मैच देख रहे हैं कि बस अभी आपको अपडेट्स मिल रही हैं सारी? नहीं अभी मिल रही हैं, मैं आप तो बहुत बड़ा एक एक्सपो बना के तैयार कर रही है 31 तारीख को मार्च का, बाय द वे उसकी मैं अनाउंसमेंट करूंगी शो पे इंशाल्लाह, बट 31 को लाहौर में बहुत बड़ा फ्लैटीज में ये एक्सपो अपनी टीम के साथ तैयार कर रही है, उसका मैं भी हिस्सा बनूंगी, तो ये उसमें बहुत बिजी है ना, तो वो क्रिकेट 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम में क्या आपने आपा प्लीज नहीं, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है और मेरे बेटे को इतना शौक है कि उससे पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री सुन ले वो आपको सुना। नेक्स्ट टाइम हर्बल सेगमेंट में उसको बुला के क्रिकेट की बात करूंगी। सुन ले, हर्बल सेगमेंट में उसको बुला के क्रिकेट की बात करूंगी, अब इसको जोड़ ले बात को। अच्छा फिर अच्छा, तो ऑस्ट्रेलियन थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हुए, जो उनका स्टाइल है एग्रेशन उनके अंदर काफी ज्यादा है, उन्होंने कहा कि हम सेकेंड इनिंग्स में और बड़ा टोटल करके पाकिस्तान को इजिली आउट कर लेंगे। उन्होंने अगेन हमें 505 का टारगेट दिया और फिर डिक्लेयर की, सबको लग रहा था कि पाकिस्तान इजीली ये मैच हार जाएगा, बट जिस तरह की इनिंग्स कल बाबर आजम कैप्टन ने खेली, मैं उन पर हमेशा ये क्रिटिसाइज भी करता था और बात करता था कि वो पाकिस्तान के नंबर वन बैट्समैन है, बट उनको जी आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन एंड द पाकिस्तानी ब्रेक के बाद, एंड देन ऑफ कोर्स एक चीज जो हर बार मैं आपसे पूछती हूँ, योर प्रेडिक्शन, वो होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, इतने खूबसूरत शॉट्स तो मेरे नहीं ये लोग बनाते जितने के रॉयल फैन के बना देते हैं, मुझे लगता है इनको अपनी होस्ट से ज़्यादा फैंस पसंद है, समझ आई, फैंस वो वाले जो तस्वीरें, अच्छा नहीं ओके बिल्कुल फनी बात नहीं थी, चले आगे बढ़ते हैं। सो रॉयल फैन, जैसे कि आप जानते हैं रॉयल फैन एक इस्टेब्लिश्ड और एक मतलब एक ऐसी ब्रांड, एक ऐसा नाम है जो हर घर में लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि रॉयल फैंस के जो फैंस हैं वो लाइफ टाइम गारंटी लाइफ टाइम वारंटी के साथ आते हैं, सो लोग प्रेफर भी रॉयल फैन को करते हैं। अब रॉयल फैंस के बारे में तो सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उनके न्यू अराइवल्स में बहुत से अमेजिंग न्यू डिज़ाइंस आए हैं, अगर आप अपने फैंस को अपग्रेड करना चाहते हैं बट और नया घर बना रहे हैं, देखें अक्सर ड्राॅइंग रूम में बेडरूम में ऐसे एरियाज़ में जब आप बाकी सब डेकोर करते हैं और फ़ैन बिल्कुल प्लेन लगा हुआ हो तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो बहुत ही अमेजिंग और अफोर्डेबल ऑप्शंस रॉयल फैंस के अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ इनके रूम कूलर्स हैं, पेडिस्टल फैंस हैं, इनके ब्रैकेट फैंस हैं, बट जिस प्रोडक्ट की मैं आज बात करना चाहती हूँ वो है रॉयल वॉशिंग मशीन। इसका जो प्रोडक्ट का कोड है जो अगर आप ऑनलाइन जाके देखेंगे तो वो RWM8012T, आप अगर www.royalfans.com पे जाएंगे तो उनकी वेबसाइट के ऊपर आप बड़ी इजीली ऑर्डर भी कर सकते हैं और आपको घर पे टू योर डोरस्टेप डिलीवरी मिलेगी। और ना सिर्फ ये, अगर आपकी कोई भी इशू होता है मशीन में, अवल तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है कि हो, लेकिन मशीनरी होती है कभी कोई इशू हो भी जाता है तो मशीन ठीक करवाने का प्रॉब्लम अब नो प्रॉब्लम, क्योंकि घर आके फ्री होम सर्विस के थ्रू आपकी जो मशीन है उसके इश्यूज़ को भी रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन फिर आप रॉयल की वॉशिंग मशीन सिर्फ इस रीज़न के लिए तो नहीं लेंगे ना, उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप इसको परचेस करेंगे। सो रॉयल वॉशिंग मशीन का अल्ट्रा फोर्स पल्सेटर और डायनामिक वॉश ड्रम स्टेन्स को यानी कि दागों को बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव कर देता है, लेकिन आपके जो कपड़े हैं जो आपका फैब्रिक है उसके ऊपर जेंटल रहता है। उसके साथ साथ बहुत ही आसान टू यूज़
कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाय द वे एक और इसमें बड़ी अमेजिंग चीज़ ये है कि क्योंकि इसकी फुल प्लास्टिक बॉडी भी है, ये शॉक प्रूफ भी है, इसका जो ढक्कन है उसमें लॉक का सिस्टम भी है, तो एक तो बच्चों और घर वालों के लिए बड़ा एक सेफ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फाइनली जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रॉयल की है वो ये है कि ये रस्ट प्रूफ है, इसको जंग नहीं लगता, और 6+1 ईयर्स की इसकी वारंटी है। चले अब एक ऐसे शख्स की तरफ चलते हैं जिसकी मैं फ़ैन हूँ, फैंस की बात हो रही है, वॉशिंग मशीन्स की बात हो रही है, तो आपने मुझे बताना है बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ आर क्रिकेटर्स, क्योंकि बात कुछ बीच में मैं छोड़ के वहाँ पे भाग गई। हाँ जी, मैं बाबर आजम की बात कर रहा था कि हमारा कैप्टन है और जिस तरह की हम उससे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं कुछ अरसे से आ नहीं रही थी, और जिस तरह की पोजीशन के अंदर पाकिस्तान टीम खेल रही थी तो हम चाह रहे थे कि कैप्टन हमेशा लार्जर देन लाइफ और ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, और जिस तरह की अभी खूबसूरत इनिंग्स बाबर आजम खेल रहे हैं और 128 पे ऑलमोस्ट वो खेल रहे हैं इस टाइम पे, और हमारे दो खिलाड़ी आउट हैं और तीनों प्रोबेबिलिटीज़ इस टाइम पे मौजूद हैं आज पाँचवें दिन। एक तो जिस तरह बहुत फेवरेट थी ऑस्ट्रेलिया की टीम इजीली मैच जीत जाएगी वो पाकिस्तान ने पहले रोका, और एक सबसे ज़्यादा चांस जैसे आप प्रेडिक्शन का पूछे तो लग रहा है कि टाई के चांसेस जो ड्रॉ होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये तो आप बहुत ही सेफ खेल रहे हैं। नहीं, मैं सारी बता रहा हूँ, सॉरी, सारी ऑप्शन एक पासे के हुए ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान, ड्रॉ के चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि लेकिन अगर कोई टीम जीती तो कौन सी जीतेगी अगर ड्रॉ ना हुआ? मैंने आपकी बात दर्ज कर ली है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आपका मैसेज आ जाना है ना, एक देखा मैंने तुम्हें कहा था कि ड्रॉ होगा तो वो तो मैंने सुन लिया तुम्हारी बात। ड्रॉ के चांसेस ज्यादा मुझे लग रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा रिजर्व होकर कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, और ये अग्रेशन मेरा मानना ये कि हमें लाना पड़ेगा। आपके ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम को क्या लग रहा था कि हम लोग अच्छा नहीं खेलेंगे या हम उनके लेवल पे नहीं आ सकेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने कुछ हमें हल्का तो नहीं लिया, लिया उन्होंने, और जिस तरह उन्होंने 148 पे हमें आउट किया तो उन्होंने कहा ये हार्डली कितना बना लेंगे, अब 200 बना लेंगे, 250 लाएंगे। और क्रिकेट के अंदर होता ये है कि फोर्थ इनिंग्स सबसे डिफिकल्ट इनिंग्स होती है, अभी तक भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है वो भी 400 तक चेज हुआ है फोर्थ इनिंग के अंदर, इन्होंने हमें 505 का टारगेट दिया है, उनको पता था कि इतना चेज करना तो रादर इम्पॉसिबल वाली चीज़, और जिस तरह पहली इनिंग्स में पाकिस्तान बुरा खेला है उन्होंने थोड़ा सा हमें ग्रांटेड लिया, उन्होंने कहा जी ये कोई मसला नहीं है, बड़ा हल्का लिया और ये इजीली हम इनको आउट कर लेंगे। बट मैंने जिस तरह बात की, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की भी इधर बात करना चाहेंगे, तीसरा टेस्ट मैच है उस लड़के का, 21 साल उसकी एज है, जिस तरह खूबसूरत स्टैंड उसने दिया कैप्टन के साथ, उसकी भी जितना प्रेज किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए उसकी परफॉर्मेंस को, वो कम है। ऑस्ट्रेलियन टीम में सबसे अच्छा प्लेयर कौन था और सबसे बुरा कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया अपनी टेस्ट के अंदर जो टेस्ट सीरीज हो रही है उन्होंने फुल साइड भेजी है, वो इसलिए भेजी है कि ये टेस्ट सीरीज हो रही है, टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट्स हैं, इसके पॉइंट्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया अगर ये पूरी सीरीज जीत जाता पाकिस्तान से तो वो फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए भी उसी तरह ये सिमिलरली उतनी इंपॉर्टेंट है, अगर पाकिस्तान की लेट्स सपोज ये सीरीज जीतता तो हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इसको जीत फाइनल में पहुंचने के लिए, तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। और बाबर आजम की मैं जैसे बात कर रहा था कि बाबर आजम की अप्रोच इस तरह, एक चीज़ तो बड़ी आ गई कि पहली दफ़ा हमने देखा कुछ साल दो साल के बाद कि हमारी टीम इस तरह की बड़ी फाइट बैक कर रही है, अगर हमारी टीम ड्रॉ भी कर जाती है तो ये आप समझ लें कि इक्विवेलेंट है जीतने के बराबर, क्योंकि जिस पोजीशन से हम आके इसको ड्रॉ की तरफ लेके जाएंगे ये विक्ट्री से कम नहीं है। ये वो वाली बात है कि जब किसी बच्चे से, जब दो लोग रेस में भाग रहे थे, बच्चे से पूछो फर्स्ट कौन आया, हम दोनों फर्स्ट आए, चले देखते हैं कि क्या दोनों फर्स्ट आए। जिस पोजीशन पे आप थे और जिस तरह आप डबैकल के अंदर थे, उधर से निकल के आके आपने ड्रॉ करना वो बहुत बड़ी बात है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए, और लास्ट नोट पे ये है कि पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि जीतने की तरफ भी जाए। थैंक यू इरफान, आपके इस मशवरे का आई एम श्योर टीम इसको कंसीडर करें, थैंक यू सो मच। चले मैं आपको इजाजत देती हूँ इस ब्रेक में, आप जाके पब्लिक न्यूज पे बैठ जाए, आपको पता ना जब भी आपने यहाँ आना तो सबसे पहले मैं आपको दबोचती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस क्रिकेट अपडेट्स, आई मीन वी आर अ नेशन ऑफ क्रिकेट लवर्स, तो ये बहुत हमारे लिए एक यूजफुल अपडेट रहती है, सो थैंक यू। एंड देन ऑफकोर्स नैयर आपा, ब्लेस यू, लव यू, और फैसल भाई आपसे भी हम बड़ा प्यार करते हैं, बहुत शुक्रिया, कभी कभी आपकी चीज़ों को टाइम लग जाता है लेकिन यू नो, अब हम आपको दोनों को बताएंगे ब्रेक के बाद, थैंक यू तो कर दिया आपने, हमें बता दिया जो आपने बताया, अब हम आपको कुछ अपडेट्स और डिटेल देंगे बायोटिन से रिलेटेड, और ऑफ कोर्स आपने भी अपनी फीडबैक देनी है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ब्रेक के बाद।
have welcome to our very very special segment viewers. Ek health and wellness ka segment humne start kiya hai. Aaj hamare saath aapki meri hum sab ki favorite Dr. Aisha Nasir hain, jinse hum discussion karenge hair, skin and nails ke liye aakhir kaun si aisi cheez hai jisko hame use karna chahiye. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Kaise hain aap? Bilkul theek. Aisha, pata hai problem kya hai aajkal? हर औरत जो है या तो वो कंप्लेन कर रही है हेयर लॉस का, या वो कह रही है स्किन के मसाइल हो रहे हैं, डाइटिंग के कर कर के अपना बेड़ा गर्क कर रही हैं ख्वातीन, और मर्द हजरात भी फिटनेस की तरफ जाने के शौक में अपनी ज़िंदगी में विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ही ज़ीरो करते जा रहे हैं और मिनरल्स. सो मुझे बताइए कि हमारी स्किन और इन अगर स्किन हेयर नेल्स तीनों को कम्बाइन करें तो बेहतरीन चीज़ क्या है? बायोटिन एक ऐसी चीज़ है जिसकी कमी से हेयर नेल स्किन तीनों का मसला शुरू हो जाता है. अगर आप चाहते हैं आपका हेयर फॉल रुक जाए या आपके बाल घने होना शुरू हो जाएं या आपके बालों में शाइन आ जाए तो आपको बायोटिन का इस्तेमाल डेली बेसिस पे ज़रूर करना चाहिए. अगर आप बहुत ज़्यादा हाई डोजेज में नहीं जाना चाहते, 2500 mcg तो हर एक को ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए. 18 साल से बड़े लोगों को बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको डेली 2500 mcg बायोटिन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, हेयर के लिए, नेल के लिए, स्किन के लिए. स्किन भी इससे तरोताज़ा रहेगी, एक ग्लो रहेगा. जो हमें डिहाइड्रेशन होती है ना वो सबसे पहले हमारी स्किन पे नज़र आना शुरू होती है, और सबसे पहले जो एजिंग है ना वो भी आपकी स्किन से नुमाया होना शुरू होती है. अगर आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखेंगे एजिंग भी जल्दी होगी. हेयर फॉल तो ज़ाहिर है सबका मसला है, जैसे आपने कहा हर एक का मसला है. और नाखून भी सारी ख्वातीन को शौक होता है, नाखून हमारे बड़े हों, वो अच्छे हों, स्ट्रांग हो, तो उसके लिए भी बायोटिन जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. इसी बात तो बड़ी सिंपल है व्यूअर्स, मुझे तो बहुत शौक है कि हाथ पैर अच्छे लगे. आई थिंक आई वॉज़ वन ऑफ द फर्स्ट पीपल, जब मैंने मीडिया में काम करना शुरू किया तो मैंने एक्चुअली एक ये हैरान होकर कहा कि भाई ये ज़्यादातर जो लड़कियाँ अपने हाथों और पाँव पे तवज्जो क्यों नहीं देती. बड़ी खूबसूरत सी शूट होती है और हाथ मुंह पे रखा हुआ है और हाथ जो हैं मतलब जो नेल्स हैं वो ब्रिटल हैं, टूटे हुए हैं, ये वो. दूसरी चीज़ बाल, देखिए चाहे आप मीडिया में काम करें या आप होम मेकर हों या आप डॉक्टर हों या इंजीनियर हों, स्पेशली कोविड के दिनों में याद है मतलब हर बंदे मतलब वो हसमत जो पूरा आउटफिट्स होते थे, मास्क, ये वो, मास्क से स्किन के मसाइल हो जाते थे, बाल लोगों के गिर रहे थे. एंड पोस्ट कोविड हेयर फॉल तो वैसे ही एक अजाब है. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. तो ज़ाहिर है स्किन के लिए, बालों के लिए, हमारी जो खूबसूरती है ना मुझे लगता है हमारे बालों में है. और बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर देखना है कि औरत खूबसूरत कितनी है तो उसके बाल, आई डोंट नो, अब तो हमने ज़ाहिर है स्टैंडर्ड्स अपने बदल लिए, लेकिन एक फैक्ट है कि हमारी खूबसूरती हमारे बालों में होती है. और कई दफ़ा ये होता है कि हम किसी को देखते हैं, हमारी पहली चीज़ ये होती है कि यार इसके बाल कितने अच्छे हैं, लंबे बाल और वो सारा कुछ. अगर आप मैनेज कर सकते, बात मेरा तो एटीट्यूड है कि शॉर्ट हेयर भी हों, चाहे आपने बिल्कुल इतने शॉर्ट भी किए हों, अच्छे अच्छे बिल्कुल ऐसे. अच्छा, अब अगर बायोटिन की हम बात करें तो बायोटिन के अगर हम देखिए, सबसे पहले तो व्यूअर्स हम हमेशा कहते हैं, इवन जब हम किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं हम सबसे पहले ये बात कहते हैं कि नेचुरल फूड सोर्सेज से आप अपनी चीज़ें पूरी करें. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी इतनी बिजी और हेक्टिक हो चुकी है और सबसे ज़्यादा ख़वातीन अपने आप को इग्नोर करती हैं और घर के जो वर्किंग मैन होते हैं वो अपने आप को इग्नोर करते हैं. जो उसमें एक बड़ा फैक्टर ये आ जाता है, हम लोग खुद भी अगर अपनी बात करें, हम लोगों को कहीं ना कहीं एक बुरी आदत है खाने के बिल्कुल साथ चाय का इस्तेमाल कर लेना. अगर बायोटिन था भी खाने में तो वो हमने वेस्ट कर दिया है. भाई चाय अपने साथ सारे न्यूट्रिएंट्स को बाइंड कर लेती है और बायोटिन भी उनमें से एक न्यूट्रिएंट है जिसको चाय बाइंड कर लेती है. सो डाइट्री अगर बायोटिन है भी तो हमारी गलत प्रैक्टिसेस की वजह से ज़ाया हो जाता है. हमें चाहिए कि हम बायोटिन का सप्लीमेंट लेते रहें, क्योंकि जो डाइट में था, अंडा हम कब खाते हैं, अंडा बायोटिन का नेचुरल सोर्स है, वो हम नाश्ते में खाते हैं और साथ चाय का पूरा मग भी पीते हैं हम, तो वो क्या बचा बायोटिन का. अब देखिए लोगों को हम ये तो नहीं कह सकते कि आप चाय ना पिए, हम क्योंकि लोग पीते, देखिए मैं खुद भी पीती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है. बट उसका एक सोल्यूशन बड़ा सिंपल है ना, सप्लीमेंटेशन ले ले. अच्छा बायोटिन वैसे और किस किस चीज में होती है? अंडे में होती है, दूध के अंदर होती है, बनानास के अंदर होती है, मशरूम्स के अंदर होती है, बंद गोभी के अंदर होती है, जितने हमारे सीरियल्स हैं, रोटी, चावल, इनके अंदर भी होती है. बट वही बात, हर चीज जो हम खाते हैं
उसके बाद चाय पीते हैं और जब आप चाय डाल देते चाय पीते हैं तो वो बायोटिन आपकी सिस्टम से। और जैसे भी हर बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, जैसे जुगन आप एक एप्पल खाएं मैं एक एप्पल खाऊं, हमारी बॉडी उसकी डिफरेंट एब्जॉर्प्शन करेगी। लाजमी नहीं है कि आपकी बॉडी भी उसमें से उतना बायोटिन निकाले जितने मेरी निकाले या वाइस वर्सा। हर बॉडी की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है, डिफरेंट लेवल्स पे एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, इसीलिए लोगों को कमी रहती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आयरन ले रहे होते हैं, उनकी बॉडी आयरन जैसे एब्जॉर्ब भी नहीं कर रही होती, उन्हें सप्लीमेंट्स लेने ही लेने हैं, एनीमिया उनका रहते रहता है। इसी तरह बायोटिन भी लाजमी नहीं है आप ले रहे हैं, डजेंट मीन बॉडी भी उसको वैसे एब्जॉर्ब कर रही है जैसे उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। खैर, मुझे पता है कि जब हम बाहर की मल्टीविटामिंस वगैरह लेते हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज के होते हैं, आधे से ज़्यादा तो जो पाकिस्तान में आते हैं, सॉरी व्यूअर्स, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो एक्सपायर्ड होते हैं, उनके ऊपर एक्सपायरी डेट बदल के वो लगा दी जाती है। दूसरा इशू ये आता है कि वो महंगी इतनी होती हैं कि मतलब आप कैसे अफोर्ड करें। 8,000 या 6,000 रुपए की बायोटिन अगर आप ख़रीदेंगे तो आप घर को किस तरह मैनेज करेंगे। इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन हम दोनों के पास है, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूज। हम बात कर रहे थे बायोटिन की, तो ये तो हमने एस्टैब्लिश। अच्छा, बायोटिन नेल्स के लिए क्या करता है? बालों की तो रीग्रोथ करता है, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग भी करता है, तो ना सिर्फ आपकी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है लेकिन जो आपके बाल का ये जो जिस तरह आपके मेरा बाल जिस तरह बहुत इससे बहुत पतला होता था, मेरा बाल भी थिकर हो गया, उससे ही तो एट द एंड ऑफ द डे आपके बालों की घनी लुक आती है, राइट? मेरे हमेशा से बहुत फाइन बाल रहे हैं। You also have very fine hair. But biotin से ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। दूसरी बात, स्किन, आपकी स्किन रिजुविनेट हो जाती है। और उसके अलावा जो है, there are a lot of पॉजिटिव थिंग्स दैट बायोटिन डज। अगर मैं बात करूँ तो आपकी केराटिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, राइट? वो तो बालों की हो गई हमारी बात। फिर आपकी जो स्किन की हेल्थ है, जैसे हम अपने किडनीज की हेल्थ की बात करते हैं, या देखिए स्किन आपके जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये एक लिविंग ऑर्गन है, बिल्कुल ऐसे है, तो उसकी भी हेल्थ को बेहतर करता है। नेल्स में क्या करता है ये? सेम करता है नेल्स में, नेल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, हम थोड़ा सा नाखून लंबा रखते हैं वो टूटना शुरू हो जाता है, वो बड़ा बुरा लगता है। आपका एक नाखून टूटा हुआ है हाथों में से, या आपके नाखून लंबे नहीं हो सकते क्योंकि ब्रिटल नेल्स हैं आपके, या नाखून तो आप अपने बड़े कर लेते हैं लेकिन उनमें वो शाइन नहीं आती, वो उल्टा बड़े होकर और बुरे लग रहे होते हैं। सो वो जो नाखूनों की एक ओवरऑल उनकी लुक है उसको बेहतर करता है, नाखूनों में शाइन लेकर आता है, उनकी स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है, एंड जो आपकी ओवरऑल नाखूनों की लुक है उसके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ मेरा सलूशन इस मसले का क्या है, क्योंकि आई एम सॉरी मुझे तो नहीं टाइम मिलता, सॉरी मैं अपने हैंड बैग के अंदर अभी खोला, अच्छा वॉलेट भी निकल आया, मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी, ये बायोटिन। अगर आपने बायोटिन यूज़ करना है, बाय द वे ये वाटर सॉल्यूबल है, राइट? बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे कुछ फैट सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं जिन्हें अपनी एब्जॉर्प्शन के लिए फैट चाहिए होता है, ये पानी के साथ ही, अगर आपकी बॉडी में हाइड्रेशन है, पानी तो हर एक की बॉडी के अंदर होता है, ये वाटर के साथ ही जज्ब हो जाता है, टॉक्सिसिटी नहीं करता बॉडी के अंदर। अगर ये बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में चला भी जाता है तो ये यूरिन के साथ निकल जाएगा क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर। यानी कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा भी कंज्यूम कर लेते हैं, अव्वल तो ज़्यादातर हमारे मुल्क में सीवियर डिफिशेंसी है या डिफिशेंसी ज़रूर है, राइट? तो जब आप बायोटिन प्लस न्यूट्रीफैक्टर का बायोटिन प्लस यूज़ करेंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, और अगर कुछ एक्स्ट्रा है भी तो वो आपके सिस्टम से फ्लश आउट हो जाएगा। ये इस तरह नहीं है कि कैल्शियम एक्स्ट्रा ले लिया तो डिपॉजिट होना शुरू हो गया, या विटामिन डी की टॉक्सिसिटी, ये कोई इशू नहीं है। बायोटिन प्लस, इसमें बायोटिन एंड विटामिन सी की कमीज़ है, और विटामिन सी की तो वैसे ही हमें आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आजकल मैंने भी अपनी विटामिन सी की डोज बढ़ाई हुई है। बाय द वे, दीज गमीज़ आर एब्सोल्युटली यमी, वन गमी अ डे। मैं हमेशा देखती हूँ कि बच्चे जो हैं वो गमीज़ खा रहे होते हैं तो मेरा भी दिल चाहता है, लाइक टू ट्राई वन, इट्स रियली रियली गुड। एंड एक गमी आपने दिन की लेनी है और आपकी बायोटिन की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अब जस्ट बिकॉज मैंने कहा है कि वो आपके सिस्टम से निकल जाता है, इसका ये मतलब नहीं है चार गमीज़ दिन की खाने शुरू करते हैं टॉफ़ी की तरह, हैं बड़े मज़े की, बट इट इज़ अ डिलिशियस फ्रूटी फ्लेवर, और इसके अंदर 30 गमीज़ होती हैं, आपके एक मंथ का जो सप्लाई है वो पूरा हो जाता है। डेली आपने रखी, मेरा पता क्या होता है, मैंने दिन में एक दफ़ा लेनी तो होती ही है। अब जैसे अक्सर मैं अपने वेट को वॉच कर रही होती हूँ व्हाटएवर, तो मुझे जब क्रेविंग हो रही होती है मीठे की, तो उस वक्त के लिए मैं अपनी गमी सेव कर लेती हूँ और मैं वो खा लेती हूँ, मीठे का मीठा हो जाता है और
बेनिफिट का बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, सप्लीमेंटेशन लेने का कोई नुकसान तो नहीं है बायोटिन की? बायोटिन की अगर हम बात करें, बायोटिन है वो हम रेकमेंड तो कर रहे हैं, बट अगर कोई इसके साइड इफेक्ट्स है तो बता दें। अच्छा, बायोटिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये उन सप्लीमेंट्स में से है जो अगर आप ज़्यादा ले भी लेंगे तो आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं देगा। अगर आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं तो बायोटिन आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं देगा। ये वो सप्लीमेंट है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स भी ले सकती हैं। हाँ, अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स जैसे आप गमीज खा रहे हैं, एक खाली, दो खाली, दिन में चौथी खाली, प्रेग्नेंट फीमेल्स के केस में उस सूरत में नुकसान हो अगर आप टू मच लेते हैं तो, बट वो सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स। बट कैन आई जस्ट क्लियर वन थिंग व्यूअर्स, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग नूर, अभी लास्ट डेढ़ साल हो गया अब तो माशाल्लाह, तो व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग नूर, मेरी ना आयरन लेवल बहुत लो चला गया, मेरा फेरेटिन लेवल बहुत लो चला गया, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत गिरने शुरू हो गए थे। जबकि यूजुअली प्रेगनेंसी में बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए, मेरे ऐसे गिर रहे थे, जड़ों से निकल रहे थे। उस वक्त मैंने अपना बायोटिन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके लेना शुरू किया, एंड आई कांट टेल यू व्यूअर्स कितनी मेजर इम्प्रूवमेंट आई। और वो टाइम भी जो नहीं होता, जो 3 महीने के बाद कहते हैं बच्चा जब बोलना शुरू हो जाता है तो बाल गिरते हैं, मैंने क्योंकि अपनी बायोटिन की यूज़ को कंटिन्यू रखा, अल्लाह का शुक्र है, उस दौरान भी मेरे बाल नहीं गिरे। सो इवन इफ़ यू आर प्रेगनेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग, आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके बायोटिन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट है, एंड वी रिकमेंड बायोटिन प्लस बाय न्यूट्रीफैक्टर। एंड ऑफकोर्स एज यू नो, न्यूट्रीफैक्टर के साथ तो मेरा वैसे ही बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक है, इनके मल्टीविटामिन्स हो गए। और बाय द वे, नेक्स्ट टाइम डॉक, अगर हम बात कर सके कोलेजन की, जरूर, क्योंकि ये जो कोलेजन है ये क्या चीज है और ये क्यों हमें चाहिए होती है, और आजकल हर बंदा कोलेजन सप्लीमेंट क्यों कर रहा है, ये हम नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर आयशा नासिर से मिलेंगे तो ये गुफ्तगू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर आयशा, आपका शुक्रिया, नैयर आपा, फैसल भाई, ये हमारी जो पूरी टीम है जो आज हमारे शो का हिस्सा थी, थैंक यू सो मच। एंड मैं अपनी ज़रा न्यूट्रीफैक्टर की बायोटिन प्लस बैग में वापस डाल देती हूँ, कहीं रह ना जाए या सारे खाना ना शुरू हो जाए एक्साइटमेंट के बारे, जिसने लेनी है वो खुद खरीदे। ओके, बाय, खुदा।